जैसे कि ये फंड निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूँ। अभी ये बच्चा है तो इसके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार गेड़े। आज के दिन में हम लोग फिर से हुबली के रोड में जो मॉडर्न हॉल है वहाँ पे आए हैं। मतलब कि उसके बाद जो एक फर्नीचर का धंधा है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा शोरूम है। तो इनका कहना है कि यहाँ पे एक सांप आया है, तो अंदर जाते हुए देखेंगे कौन सा सांप है, मुझे भी पता नहीं, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश भी करेंगे। तो कहाँ है ये सर में है? हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन किलबैक स्नेक है और उसका बच्चा है छोटा सा। तो इसको कान को हटाएंगे पहले यहाँ से। यस, इसे पकड़ो, थोड़ा पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही नॉन विनामस होता है। जैसे कि ये फंड निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूँ, इसी को बोलते हैं ग्रीन किलबैक। अभी ये बच्चा है तो इसके ऊपर जो आप ब्लैक लाइंस देख रहे हैं तो ये दिखाई देते हैं, और थोड़ा बड़ा होने के बाद इसमें लाइंस नहीं दिखाई देंगे, पूरा टोटल जो हमारा ग्रीन बम्बू पिट वाइपर आता है वैसा ही दिखाई देगा। मतलब ये बिल्कुल ही नॉन यूनॉमस है। इसको अब हम लोग यहाँ से उठाएंगे। ये कभी कभार गुस्से में काट भी देता है, मतलब काटने से कोई खतरा नहीं है। तो इसको बहुत प्यार से मैं मेरे अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये बच्चा है तो इसको इतना ज़्यादा मैं छेड़ना भी नहीं चाहता। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पैंट का कलर और इस सांप का कलर बिल्कुल ही सेम है, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन किलबैक, और कनाडा में इसको हसर हाव के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में इसको हरा सांप बताया जाता है, और इसका साइंटिफिक में नाम ग्रास स्नेक करके इसका नाम आया जाता है साइंटिफिक में। तो इसको अभी ज़्यादा मैं छेड़ूंगा नहीं। और नीचे से इसकी बॉडी जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लैक आती है, जैसे ही ये सांप बड़ा हो जाता है तो इसकी बॉडी वाइट हो जाती है नीचे से, और ऊपर से पूरा टोटल फुल ग्रीन होती है। तो इसको मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा यहाँ पे। ये सांप बहुत शांत प्रजाति का होता है, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता और ये बिल्कुल भी काटता नहीं है सांप। कहीं अगर इसको हम लोग ज़्यादा छेड़ेंगे तभी ये काटता है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब अभी सीजन बच्चे बाहर पड़ने वाला है तो इस वजह से सांप यहीं पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे कैसा है पता नहीं, लेकिन फिर भी आजू बाजू थोड़ा घास होने की वजह से अंदर कभी भी सांप आ जाए। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से सेफ जगह में छोड़ देंगे, जैसे कि तालाब या तो पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये वहाँ पे अपना जीवन सर्वाइव कर पाएगा। तो इसको अभी मैं पैक किया, तो चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार गेड़े।